हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यू बैलेंस शीट से है। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से ऑडिट में आ चुका है तो याद रखें, अब जो आपका बैलेंस शीट जो तैयार होने वाला है वो न्यू फॉर्मेट पे तैयार होने वाला है। तो हम लोग आज पूरे डिटेल में जानेंगे कि ये जो बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट आया है कौन सी फर्म के लिए है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और ये बैलेंस शीट बिल्कुल फ्री में आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आप टैली, एक्सेल, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, सैलरी प्रोसेसिंग, अकाउंट्स ऑफ फाइनलाइजेशन और जितने भी तरह के जो रिटर्न फाइलिंग का काम होता है, अगर आप ये सारा काम डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बैलेंस शीट का जो कि नया फॉर्मेट आया है ये किसके लिए है और ये कब से लागू है। ICAI, आपने नाम तो सुना ही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने 2 ईयर्स बैक रिकमेंड किया था कि भाई देखो, ऐसा है कि ये जो बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट जो आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप इसमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को तैयार करो। तो इसमें से क्या हुआ कि बहुत सारे सीए फर्म ने इसे अपनाया भी और बहुत सारे सीए फर्म ने इसे नहीं भी अपनाया। नॉर्मल वे में हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को तैयार करते थे, वैसे ही तैयार कर रहे थे, राइट। लेकिन 22-23 का अभी जो ऑडिट जो चल रहा है, राइट, तो 22-23 से अब क्या है ना, ये कंपलसरी कर दिया गया है कि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको न्यू फॉर्मेट में ही प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और बाकी उसका जो भी डिटेल्स है वो आपको तैयार करना होगा, राइट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई ये है किसके लिए, कौन सी फर्म के लिए एलिजिबल है। तो पहली बात तो है ये एक्चुअल में है प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के लिए, जो कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो न्यू फॉर्मेट है ये कैसा है और हमें इसे कहाँ से डाउनलोड करना है। ये हमारा टैली है। चलो भाई, यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अल्ट प्लस F1। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में पहले ऐसे ही नॉर्मल वे में फॉर्मेट आपका चल रहा था, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, यानी कि एक तरफ आपका एक्सपेंस है, एक तरफ आपका इनकम है और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो एक तरफ आपका लायबिलिटी है और एक तरफ आपका एसेट है। इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल मोड। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल मोड। लेकिन अब इसी पे अब क्या है ना कि अगर आप F12 को प्रेस करते हैं, मैं आपको टैली प्राइम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, इसमें भी ये फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा शो वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब जब जैसे ही इसे हम लोग यस करेंगे तो ये क्या होगा, टॉप एंड बॉटम, इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल मोड में। तो अब का जो फॉर्मेट जो आया है ना वो आपका वर्टिकल मोड में है, ठीक है ना। अब आपको हॉरिजेंटल मोड में प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट को तैयार नहीं करना है, इसी मोड में आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधा जो कि हमारा बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट है। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा ना, ये टॉप टू बॉटम है, राइट। अब इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि अगर हम पहले बैलेंस शीट को ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर ईयर आपको दिखेंगे, 31 मार्च यहाँ पर क्रॉस उन्होंने कर रखा है, लेकिन हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमारा 22-23 का अभी ऑडिट चल रहा है, राइट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 आपका 23 हो जाएगा। और ये वाला किस लिए दिया हुआ भाई, ये हमारा लास्ट ईयर के लिए दिया हुआ, याद रखिएगा। तो इससे क्या पता चला कि भाई जब आपका बैलेंस शीट या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा उसमें 2 साल का डेटा आपको देना पड़ेगा, राइट है। जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले वाले में इस तरह का फॉर्मेट था ही नहीं, किसी ने अपनाया किसी ने नहीं अपनाया, बट अब क्या है ना ये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्या है ना, जो कि करंट अभी 22-23 का जो ऑडिट चल रहा है, जब आपका बैलेंस शीट फाइनलाइज हो जाएगा, राइट है, तो वो डेटा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और बाकी जो लास्ट ईयर का जो होगा आपका बैलेंस शीट फाइनलाइज किया हुआ, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि पुराना कितना था अभी कितना है, पुराना यहाँ पे कितना था अभी कितना हुआ, राइट। अगर जिसमें था तो उसमें रहेगा, जिसमें नहीं है उसमें नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है ना। ये डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर, हमारे रिपोर्ट्स के ऊपर,
ठीक है, एक बात तो समझ में आया कि हाँ भाई हमें 2 साल का डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि लास्ट ईयर और करंट ईयर। इसी तरीके से हम लोग आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर भी आपको दिख रहा, ठीक है, और आपको यहाँ पर भी दिख रहा, यानी कि आपको दोनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर फॉर्मूला उन्होंने लगा के रखा है, बहुत अच्छी बात है। एक जगह चेंज करो तो इसका इफेक्ट आपका दोनों जगह आ चुका है। देखिए, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर आपका बैलेंस शीट हो। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आप नोट में भी देखोगे इस तरह का, यहाँ पर 19, 20 है ना, और अगर बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पर 3 एंड 4 इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो यहाँ पर ये नोट जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 यहाँ पर नोट्स आपका दिया हुआ है, बैलेंस शीट के बारे में 4 to 6 यहाँ पर नोट्स अगेन बैलेंस शीट के बारे में दिया हुआ है, 7 to 10 तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का आपका दिया हुआ है, और इसी तरीके से आपका बैलेंस शीट का दिया हुआ, राइट। तो ये आपका नोट दिया हुआ, यानी कि नोट्स, नोट्स का माने क्या, उसका डिटेल। तो किसका डिटेल, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो एक तो फॉर्मेट आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। अब अगर हम यहाँ पर कैपिटल के बारे में ही बात करें, है ना, कैपिटल के बारे में, अब जैसे कि यहाँ पर ऑनर्स का फंड के बारे में पूछ रहा है, राइट। अब पहला क्या है, ऑनर्स का कैपिटल है, राइट है, ये देखिए यहाँ पर क्या है ना भाई, ऑनर्स का कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, ए में है, और ये आपका नोट क्या दे रहा, 3 में। तो यहाँ पर देखो उन्होंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा के रखा है, यानी कि उन्होंने यहाँ पर एक्सेल को बिल्कुल ही लिंक करके रखा है। अब अगर आपको इसका डिटेल अगर देना है तो आप वहां पर जाके नोट में आप दे सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से वो क्या करेगा, वो उठा करके उसे यहाँ पे लाके दिखा देगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है, अब यहाँ पर दिखा रहा है कि नोट 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा नोट 1, 2, 3 है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर एक्सेल के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कंट्रोल को प्रेस करोगे और लेफ्ट ब्रैकेट आप मारोगे, ये देखो जैसे हम लोग प्रेस करेंगे उसी शीट पे आ जाएंगे जहां के इस पे लिंक किया गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सम में उसका ऑलरेडी यहाँ पे है, राइट है। तो यहाँ में आप जो डेटा प्रोवाइड करोगे ऑनर्स के कैपिटल के बारे में, ठीक है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिटेल है भाई, ये क्या है, डिटेल है। और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि ये जो नोट में जो भी फॉर्मेट दिए हुए हैं इसी फॉर्मेट में ही बनाना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपका फॉर्मेट कुछ अलग भी हो सकता है, उसे क्या चाहिए भाई, डिटेल चाहिए, है ना, उसे क्या चाहिए, डिटेल चाहिए। तो आप डिटेल अपने हिसाब से भी बना सकते हो, बट यहाँ पे क्या है कि पक्का पकाया भोजन है भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर इसी फॉर्मेट में अगर कुछ एडिट कर सकते हो तो कर लो, जो चीज चाहिए उसे रखो, जो चीज नहीं चाहिए अब उसे सिंपली यहाँ से हटा सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये शीट आपका कैसे काम करता है। अभी जैसे मैंने कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस किया, हम लोग यहाँ पर आ गए। कुछ भी डेटा को हम लोग यहाँ पर जब पुटअप करते हैं तो यहाँ पर इसका ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाता है, और जब बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो देखो यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये बात रही उसके डिटेल के बारे में। अगर इस तरह का आपका डिटेल नहीं है, राइट है, तो आप यहाँ पर मैनुअल उस फिगर को यहाँ पर बिठा सकते हैं। जब आप यहाँ पर मैनुअल बिठाएंगे, जैसे मैं बिठा रहे हैं यहाँ पर 2.5 लाख रुपया सपोज, या 25 लाख रुपया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नोट को यहाँ पर से हटा दूंगा कि भाई इसके अगेंस्ट कोई नोट नहीं है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि यहाँ इस तरह का फॉर्मेट है, यहाँ पर आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है, यहाँ पर आपका करंट लाइबिलिटी है, राइट है। ये तो ऊपर का पूरा आपका जो पार्ट हो गया वो लाइबिलिटी का हो गया, ठीक है। नीचे जब आएंगे ये आपका टोटल जो पार्ट होगा वो एसेट का होगा। अब यहाँ पर आप देखो इसका यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा ना कि भाई अगर आपका किसी के बारे में भी डिटेल से है तो वो आप जाकर नोट में दे सकते हो, और नोट का कोई फॉर्मेट नहीं है, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी फॉर्मेट आप बना सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल दे दूंगी कैसे। अब यहाँ पर जैसे आपसे पूछ रहा है इन्वेंट्रीज के बारे में, स्टॉक के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये मेरा एसेट है, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है कि हाँ भाई 15 नंबर में चले जाओ आप, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, राइट है। अब मैं जैसे ही शॉर्टकट में मारूंगा, मैं यहाँ पर आ गया, देखो आपका, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछ रहा है इन्वेंट्रीज के बारे में, भाई आपके पास कौन कौन सा स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है तो ऑफ कोर्स अगर रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस का बचा हुआ है, फिनिश्ड गुड्स बचा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड में है, स्टोर्स में है, राइट है,
और भी यहाँ पर आपके एडिशनल आपके लूज एंड टूल्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपका जिसमें आ रहा है उसमें डेटा दीजिए, जिसमें नहीं आ रहा है उसमें मत दीजिए। तो ये हुआ उसका डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो लास्ट ईयर में क्या था और इस ईयर में क्या था, बस आपको इतना सा आपको यहाँ पे देना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फिनिश गुड्स में डाल रहा हूँ 5 लाख रुपए, ये देखो जैसे मैंने डाला तो ये क्या हो गया ना, हमें मेन डेटा यहाँ पे डाला। अब उसका इफेक्ट कहाँ आ गया, जब आप लोग यहाँ पर आओगे बैलेंस शीट पर तो 5 लाख आ गया ना। अब अगर वहां पे आपको डिलीट करना है तो कर दो ना भाई, आप उसको वहां पर जाकर के डिलीट कर दो जो कि हमारे काम का नहीं है, राइट है। अब इस तरह का अगर आपका डिटेल्स नहीं है तो फाइनली आप क्या करो, यहाँ पर आप मैनुअल भी फिगर को यहाँ पर बिठा सकते हो और यहाँ पर सभी से ये जो नोट है ना, अब इसको यहां से हटा दो, इस तरीके से डिलीट कर दो, काम खत्म, ठीक है। लेकिन डिटेल होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, इसलिए आप इस तरीके से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग जल्दी से आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि हाँ लास्ट ईयर का भी देना है प्लस जो अभी का ऑडिट चल रहा है आपको उसका भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बता रहा है नोट नंबर 19 है, ये जो पहला वाला जो आपका दिया हुआ है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि आपका टर्नओवर के बारे में बात कर रहा है, आपका सेल है ना, ये सेल के बारे में बात कर रहा है। अब अगर आपका कुछ भी इसका डिटेल नहीं है तो यहाँ पर फिगर डाल दो ना भाई, काय दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, ये देखो आ गया ना, ठीक है आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा अदर इनकम अगर है, इसका डिटेल अगर आपको देना है तो अगेन वही कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग आ गए। अब इसके बारे में आपके पास इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है या और भी कहीं से आपको आया है वो आपको देना पड़ेगा, ये है डिटेल के बारे में। लेकिन जैसे मैंने कहा ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिटेल भाई होना चाहिए ना। अब डिटेल बनाने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है, अब जैसे कि ये बनेगा कैसे, सवाल ये भी उठता ना, बनेगा कैसे। तो देखो भाई डेटा तो आपका टैली से या बीजी से या जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हो फाइनलाइज तो वही होगा ना, हाँ भाई वही होगा। अब जैसे कि हम लोग आ गए, देखो यहाँ पे आ गए, ठीक है, हम लोग पहले आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आ गए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसी फॉर्मेट में रहने दो, इसे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सेल जो दिख रहा है फाइनली कितना दिख रहा है भाई, 74,92,318 रुपया, तो यही तो मैनुअल फिगर हमें वहां पर डालना है, यही नहीं डालना भाई। तो आप देख देख कर भी आप यहाँ पर वो फिगर को डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आऊंगा और ये जो हमारा है यहाँ पर जो डिटेल्स मांग रहा है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर हम ट्रेडिंग कंपनी में है तो ऑफकोर्स हम पहले वाले में फिलअप करेंगे, पहले वाले में हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे कितना भाई, 74,92,318, ये देखो हमने दे दिया ना। अब हमारा क्या है, कोई सर्विसेज का नहीं है या फिर कोई डोनेशन से कोई हमारा जो ग्रांट्स है वो रिसीव नहीं हुआ है और भी कोई अदर हमारा अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं है तो छोड़ देंगे ना, और अगर हमारा सर्विस से भी है तो हम यहाँ पर इसे पुट अप करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है कि आप अपना काम जिस सॉफ्टवेयर पे करते हैं अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कीजिए, ठीक है। फाइनलाइज करने के बाद बस इसी डेटा को आपको क्या करना है ना, इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देना है। अब सवाल यह है कि भाई ये डाउनलोड कैसे होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, बस इसी चीज को आपको टाइप कर देना है डाउनलोड बैलेंस शीट फॉर्मेट फ्रॉम ICAI। जैसे ही आप लोग सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा टेक्निकल गाइड्स एंड अदर मटेरियल्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप देखो टेक्निकल गाइड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, आपको इसमें आना है। आप यहाँ पर जो उसका जो PDF का फाइल है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें स्टडी करो, राइट है। ये रहा आपका एक्सेल का फाइल, जब आप इस पर जब क्लिक करोगे ये बहुत ही इजी वे में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए देखिए डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में इस फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट को तैयार करना है और बहुत ही सिंपल वे में आप यहाँ से न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप टैली अकाउंट्स या टैक्सेशन रिटर्न फाइलिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।